इतना ज़्यादा क्राउड है, लोग कंट्रोल रूम से अंदर आ चुके हैं मेन। हमने शिवजी पर कथा सुनकर हाय गाइस, एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्लीज यूज हेलमेट में। मैं विजय कुमारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आ चुका हूं रायपुर में गुढ़ाड़ी में, जो कि जहां पे प्रदीश मिश्रा जी का कथा हो रहा है, शिव महापुराण हो रहा है। और ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं, ये लोकेशन पूरा कल खाली था, तो आज बहुत ज़्यादा क्राउड आई हुई, जो कि आज दूसरा दिन है, 10 तारीख है, 10 नवम्बर है। तो चलिए आज आपको हम दूसरा दिन का भी पूरा यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, कथा का और पंडाल वंडाल दिखाते हैं, कितनी पब्लिक अंदर साइड में, बाहर तो भाई यहाँ पे गाड़ी रखने की जगह नहीं है। तो आपको चलिए अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हमारे ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। जो लोकेशन है कल पूरा खाली था, फर्स्ट डे 9 नवम्बर को, आज 10 नवम्बर है। 10 नवम्बर को कुछ इस प्रकार का पूरा माहौल है, पूरा खचाखच गाड़ियों से भरा हुआ है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब गाड़ियाँ भरी है, मतलब यहाँ पे जगह नहीं है। आज कल पूरा खाली था, तो चलिए चलते हैं कथा स्थल पे, आपको कथा दिखाते हैं आगे की ओर। और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से पूरी पब्लिक जा रही, क्राउड जा रही है कथा सुनने के लिए। और बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं भाई, एमपी से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं और गांव-गांव से आ रहे हैं, अलग अलग लोकेशन से भाई आ रहे हैं यहाँ पे शिव महापुराण सुनने प्रदीप मिश्रा जी का। कल तो भाई हाउसफुल हो गया था, बोल सकते थे 5 लाख की व्यवस्था थी पर पब्लिक 10 लाख आई थी। आज कितना आई है पता नहीं, चलिए अंदर देखते हैं और कहां कहां तक पब्लिक पूरी बैठी वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल चल रहे हैं और यहां पे आप सामने देख रहे हैं कुछ टेंट बनाया गया है, यहां पे भी बैठने का कुछ स्थल बनाया गया है। तो चलते हैं, फिलहाल ये देख सकते हैं कुछ प्रकार का पूरा यहाँ का देखने को मिल रहा है पूरा पार्किंग लोकेशन। और फिलहाल हम चल रहे हैं धीरे धीरे पैदल, आई यहाँ तो बहुत पब्लिक देखने को मेरे को मिल रहा है। चलिए और पास में चलते हैं, आपको दिखाते हैं, खचाखच भरा हुआ है पूरा मैदान, सच में भाई खचाखच पूरा भरा हुआ है। ओ भाई साहब देख सकते हैं आप, भाई बहुत ज़्यादा पब्लिक है, बहुत ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा पब्लिक आई है, बिलीव नहीं कर सकते इतना ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पे। ओ भाई ये पूरा खाली था कल लोकेशन, आज देख रहे हैं लोकेशन, कितने दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पे कथा सुनने के लिए, मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा। सब धूप धूप में बैठे हुए हैं और कल ये पूरा लोकेशन खाली था भाई, आज देख रहे हैं ये लोकेशन पूरा भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है भाई साहब, क्या बोलू, खचाखच, मतलब क्या मैं आपको बताऊं, इतना ज़्यादा क्राउड है। चले और आगे आपको लेके चलते हैं दिखाने के लिए। गाइस आप देख सकते हैं मैं पंडाल के पास आ चुका हूं और कुछ ही प्रकार पूरा माहौल है। विक्रम बेताल का नाटक जिसने भी टीवी पर देखा होगा उसको मालूम होगा कि तू बोला और वो गाने के लिए जाते हैं, भगवान का गुणगान करने के लिए जाते हैं, पशुपति व्रत करने के लिए जाते हैं, भगवान का मंत्र जाप करने के लिए जाते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए जाते हैं। शिव महापुराण की कथा चलती है, अगर हमने भगवान का भजन करा, पूजन करा, कीर्तन करा, शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लिया, एक लोटा जल चढ़ाया या बहुत सारे खाने पीने के स्टॉल दुकानें लग चुकी हैं आप देख सकते हैं किसी प्रकार से, और आप क्राउड देख ही रहे होंगे, अभी भी बहुत सारी पब्लिक आ ही रही कंटिन्यू यहाँ पे कथा सुनने के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी का सिहोरे वाले। तो भाई साहब कल्याण कैसे होगा,
ये देख सकते हैं, यहाँ चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल दुकानें लगे पूजा सामान वान के, चलिए आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे लगा हुआ गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक से दुकान लग चुकी है, तो ये पूरा स्टॉल है और यहाँ पे पूरे मार्केट लग चुके हैं पूरा पूजा सामान का, जो कि यहाँ पे भागवत कथा चल रहा है तो किस प्रकार से देखने को मिल रहा है भाई। ये देख सकते हैं इधर, ये ऐसे कुछ पूजा सामान पूरी दुकान दुकानें लगी हुई लाइन से, और ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है लाइन से, और माला दुर्गा ये सब चीज़ें हैं पूरे यहाँ पे। ये देखिए भाई साहब क्या बात है, और कुछ लोग खरीदी भी कर भी रहे हैं। ये पूरे चंदन उंदन है, टीका उका है, दुर्गाक्ष है, कुछ इस प्रकार से पूरे। आप देख सकते हैं ऐसा कुछ नजारा देखने को मिल रहा है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा जो कि रायपुर में चल रही है, पूरा लोकेशन कल खाली था, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का पूरा नजारा देखने को मिल रहा है, और सब अपना मग्न है, धुन है, धुंधे मग्न है शिव महापुराण के, देख सकते भक्तों की लीन लगी हुई है कुछ इस प्रकार से। चलिए और आगे चलते हैं, आपको और आगे दिखाते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं LED लग गई भाई, सच में बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा, मैं आपको क्या बोलूँ, सब शिव महापुराण कहाँ कहाँ सुने आप देख सकते हैं, डांस किस प्रकार से भंडारा, चाय वाय पी रहे हैं फ्री में, देख सकते हैं सिंह द्वार के पास आ चुका, और सिंह द्वार में कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्राउड देखने को मिल रहा है, सब लोग भक्त लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे अंदर जाने के लिए, पर इतना ज़्यादा आज भी सब रोड रोड में बैठ के सब कथा का आनंद उठा रहे हैं, सब कथा में मग्न हो गए हैं, कुछ ऐसा नज़ारा देखने, हाउसफुल हो गया भाई, हाउसफुल, पूरा टेंट हाउसफुल, और ये देखिए क्या सुंदर सुंदर सी आकृतियाँ बनाई गई, जैसे गांव में होता है उस टाइप का दरवाज़ा लकड़ियों का, उस प्रकार से पूरा इसको दर्शाया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई सच में क्या भीड़ है, क्या भीड़ है। हाउसफुल मतलब पूरा हाउसफुल है भाई सच में, कंट्रोल रूम से अंदर आ चुके हैं, मेन एक कंट्रोल रूम है, और कुछ इस प्रकार का पूरा नज़ारा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सब बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अब हम चलते हैं इस साइड में, आपको इस साइड दिखाते हैं कथा, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारी पब्लिक बैठी हुई कथा सुनने के लिए, भाई सच में यार क्या है, क्या भीड़ है यहाँ पे देख सकते हैं भाई सच में क्या भीड़ है, ताबड़तोड़ भीड़ है, मतलब कोई कमी नहीं है भाई भीड़ में। ये देख सकते हैं भाई ऐसा माहौल है भाई, ताबड़ तोड़ माहौल भीड़ है, और देखने को मिल रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं कितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे कथा सुनने के लिए भाई, ये देख सकते हैं
समझ जाना, दुनिया के लोग भटकाएंगे, खड़े होंगे वो बताएंगे। एक नहीं हुआ, हमने शिवजी पर कथा सुनकर डॉक्टर की दवाई लेते रहे, आपने कहा था दवाई नहीं बनना बंद करना चाहिए, दवाई लेते रहे और एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाते रहे, धीरे धीरे वो जल लाकर उसकी आंख के पास लगाते रहे और उसको एक बेलपत्र पीस कर खिलाते रहे, बाबा की कृपा से ऑपरेशन नहीं हुआ और बेटी की आंख ठीक हो गई। ठीक होने का फोटो मैं बेटी का लगा रही हूँ, आप देखिए बोलिए, ये बेटी का ठीक होने के बाद का फोटो और ये बेटी का जो आंख का ऑपरेशन होना था वो फोटो दोनों उसने लगाए हैं, जो ब्लेड फंगस हुआ। महाराज जी बैठे कृपा बिना मिले, महाराज जी बैठे कहाँ पे? अच्छा वो येलो वाला, येलो लेते श्वास तेरी कृपा, क्या करूं मैं राखों के ढेर का, भक्ता शुमहापुराण की कथा में स्वयं शंकर इनके रूप में अवतार ले करते और रायपुर वालों मेडिकल कई हांडी मैदान में जो कथा चल रही है और आसपास जितने लोग निवास करते हैं, या आप श्रोताओं की सेवा नहीं कर रहे, इन भक्तों की सेवा नहीं कर रहे, आपके दरवाजे पर अगर आप एक श्रोता जो कथा सुनने आया है उसको अगर आपने मुंह झूठा कराया है, पानी पिलाया है, यदि एक जरा सा उनका मुख झूठा भी करा दिया या उनकी सेवा कर दी तो इतना अंदाजा लगा कर रखना अपने शिव की सेवा करनी है, कोई साधारण की नहीं। क्या देगा वो, क्या प्रदान करेगा वो, ये तो 3 महीने के साथ में दूसरे नगर में दूसरे गांव में गई और रो रही है, मैंने शंकर पर विश्वास करा, मैंने शिव पर विश्वास करा, काशी जा रही हूं और काशी जाने वालों के साथ ऐसा हो? पति ने कहा ऐसा नहीं है, घर में ललाट पर जो लिखा है वो होता है, इल्लमा दारू मानने को तैयार नहीं। माताएं जब उनका विश्वास टूटता है किसी माता का मानती नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं शिव के मंदिर जाती हूँ, मैं भगवान का भजन करती हूँ, मैं मंत्र जाप करती हूँ, मैं कीर्तन करती हूँ और भगवान मेरे साथ ऐसा करेगा, यह हो नहीं सकता, वो मानती नहीं है, विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का और रखो भगवान पर ऐसा भरोसा रखना कैसा जैसे तुम्हारे पास में 2 लाख रुपए हैं और तुमने नया नया ड्राइवर रखा, नया, और 2 लाख रुपए तुम्हारे पास में है और तुम्हें उसको घर भेजना है, तुमने अपने साथ वाले ड्राइवर को देखा कि अरे कभी नया नया आया है, 2 लाख रुपए इसके हाथ में कैसे भेजो, और वहीं पर से तुम्हारा लड़का सामने से पैदल आ रहा था, तुमने अपने बच्चे को बुलाया, इधर आ, तो भैया के बारे में, बसंत भैया के बारे में, हाँ पापा ये देख घर ले जा, मम्मी को दे देना, हाँ पापा ड्राइवर पर भरोसा ना कर तुमने वो छठवी क्लास के बच्चे के हाथ में बैग पकड़ा, इसीलिए कोने में खड़ा हूँ आपके, वो बैग ऐसा आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का पूरा माहौल और भीड़ देख सकते हैं और कथा खंड होने का टाइम आ चुका है, अभी देखिए क्राउड, ऐसा कुछ क्राउड देखने मिल रहा है। शंकर भगवान के मंदिर देवालय तक जाता है, जब तक वो मंदिर तक नहीं पहुंचा तब तक शंकर
उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहते हैं। तो वहां तक पहुंचे सामने महाराज जी के पास पहुंच गया था, टाइम से आ गया था ना। आरती जी ने एक लोटा जल खड़े, अच्छा भगवान शंकर खड़े और एक लोटा जल पार्वती जी ने शिव जी को चढ़ाया। जैसे ही पार्वती जी ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, बोलो गोदा करती है पार्वती कोने में जा रहा हूँ। आपके एक कुंज को अग्नि देवता ले जाकर कल से हम लोग VIP में आएंगे। आठवें महीने में जन्म ले लिया और उस शमी के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, पत्तों से ढका हुआ है और मरा हुआ है। एक ब्राह्मण की पत्नी चंपावन में अपने बच्चे को प्रसव के कारण जन्म ले देती है आठवें महीने, और उस भीलमा कालू का बच्चा आठवें महीने का मरा हुआ हुआ शमी के पेड़ के नीचे। Thank you.
आप भजन कर रहे हैं। इल्माबादों के लिए भगवान शिव ने डमरू बजाया, कैसे डमरू बजाया, डमरू बजाते से। अब डमरू बजाने का भी तरीका, किसको बुलाना है उसका नाम लेकर डमरू शिव ने बजाया तो अग्नि देवता सामने प्रकट हो गए। अग्नि देव ने हाथ जोड़कर कहा बोलिए प्रभु आपके बताओ मैं क्या करूं। भगवान शिव ने कहा इल्माबादों के गर्भ से बच्चे मर चुका है पर उसकी रक्षा और उसको जीवन का, जैसे तुमने शरणानंद कार्तिकेय को गंगा जी में लेकर रक्षा करी उस तरह से बच्चे की रक्षा।